नहाओ जाके। मौसम खिला हुआ है पर पोल्यूशन तो है, इतना ज्यादा ट्रैफिक उतना ज्यादा पोल्यूशन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो खत्म हो चुके हैं ये सारी सेलिब्रेशंस, खत्म हो चुकी है फेस्टिविटीज, लेकिन अभी एक फेस्टिवल एक फेस्टिविटी और बाकी है जो कि है कार्तिक पूर्णिमा और गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थडे होता है और साथ में उसी दिन मेरे पापा का भी बर्थडे होता है, तो वो एक दिन अभी और बचा हुआ है जो कि इस सैटरडे को कम्प्लीट होगा, तब हमारी फेस्टिविटीज कम्प्लीट होंगी। चलो चलो जल्दी जाओ बेटा, टाइम नहीं है, नहाओ जाके। अभी तो अच्छी नहरी धूप निकली हुई है, बढ़िया हल्की हल्की, मौसम हल्का सा ठंडा सा है। वैसे तो आज दिल्ली में धूप खिली हुई है, मौसम खिला हुआ है पर पोल्यूशन तो है, क्योंकि जैसे बाहर जाते हैं तो खराश इस तरीके की थोड़ी सी परेशानी आती है जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं, खासकर जैसे बाइक से जा रहे हैं ओपन में खुले में जब ज़्यादा रहते हैं। हमारी सोसाइटी में जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ इतना पता नहीं चलता है, चलते हैं बाहर देख के आते हैं और फिर समझ में आएगा एक्चुअल पोल्यूशन है कितना। चलते हैं हिमालयन से करते हैं थोड़ी सी सैर, पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता हो गया है तो इसका फायदा उठाना चाहिए। जय बजरंग बली भैया। ये सामने बनी हुई है छावनी जहाँ बैठे हुए टिकैत जी, रोड खराब कर रखी है, पूरा ट्रैफिक इधर से उधर कर दिया है और अब हम सामने देखें तो ये है पोल्यूशन का हाल। तो काफ़ी हालत तो ख़राब है, वैसे काफ़ी धुंध है, जब हम दूर तक देखते हैं बहुत धुंध दिखाई देती है, नॉट गुड। पोल्यूशन का लेवल देख सकते हो अभी आप, सूरज ढल रहा है पर किस तरीके से पोल्यूशन हम देख सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो पोल्यूशन देखा था बहुत ही नज़दीक था पर कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके का पोल्यूशन पूरे शहर में फैला हुआ है। ये लगा है भैया बुरी तरीके से जाम, ट्रैफिक एयर पोल्यूशन दोनों को रिलेटेड है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक उतना ज़्यादा पोल्यूशन। आ गया वापस घर। तो पोल्यूशन तो सच में बहुत ज़्यादा है जो, और एयर पार्ट मतलब जो हम जो एनवायरनमेंट है जो हम दिखाई जो हमें देता है जो हवा है उसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं पोल्यूशन के, डस्ट के, कंस्ट्रक्शन के, मतलब इट्स अ टोटल मिक्सचर जिसमें कि पूरा एनवायरनमेंट गंदा हो रखा है। मुझे जो लगता है पिछले 2-3 सालों से हमने दिवाली पे या दिवाली को हमने इतना ज़्यादा कल्प्रिट बना दिया इस पोल्यूशन के लिए, जो एक्चुअल पोल्यूशन के कारण है उसके ऊपर हमने कभी विचार ही नहीं किया, हमने कभी सोचा ही नहीं, और जो एक्चुअल पोल्यूशन है वो आज भी मौजूद है। आप दिवाली को बैन कर दो, आप दिवाली को चाहे जो करना है कर दो, पर जो पोल्यूशन है वो तब जाएगा जब ये ऑटो वाले, जब ये कैब वाले, जब ये ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक वाले, जब इनका जब पोल्यूशन कम होगा, जब इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूशन कम होगा तब जाके शायद एयर का क्वालिटी सुधर पाए। दिवाली के पटाखों पर या दिवाली पर बैन लगाने से मुझे नहीं लगता कि पोल्यूशन पे कोई भी रोकथाम होगी। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको मेरी बातें पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरों के साथ में भी शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।